हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप कि मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सिस्टम इंफॉर्मेशन क्या होती है, किस प्रकार से हम सिस्टम इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में तो मिलेगी। तो ये वीडियो आपको क्या करना है कि अंत तक वॉच करना है, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है दीपक मीणा और आप देख रहे हैं DM टेक साइंस। जानेंगे कि सिस्टम इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपकी भी कुछ इंफॉर्मेशन होगी, किसी दूसरे प्रोडक्ट की भी कुछ इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि हर किसी की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन तो होती है। ऐसे हम एक सिस्टम इंफॉर्मेशन पर बात करेंगे। सिस्टम इंफॉर्मेशन क्या चीज़ है उसको हम प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक वॉच करते रहना। तो चलिए अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहाँ हम सब कुछ प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम कुछ इंट्रो आपको बता देते हैं कंप्यूटर सिस्टम या सिस्टम इंफॉर्मेशन क्या चीज़ है। और इसमें मेमोरी टेस्टिंग वगैरह के भी जो वीडियो में अगला वीडियो लेके आने वाला हूँ, मेमोरी टेस्टिंग, जैसे कि अपने जो कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप है उसमें आप मेमोरी टेस्टिंग किस प्रकार से कर सकते हो, जैसे कि हार्डवेयर चेकअप कर सकते हो, इसकी भी जानकारी मैं देने वाला हूँ, परंतु इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में, ठीक है ना। तो चलिए फिलहाल में हम कंप्यूटर स्क्रीन पर जाकर प्रैक्टिकली करके देखते हैं। दोस्तों, हम हमारे लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम जो चीज़ मैंने अभी बताई यानी कि सिस्टम इंफॉर्मेशन, वो हम प्रैक्टिकली सब कुछ जानने वाले हैं। कहाँ पर इसकी ऑल ऑफ इंफॉर्मेशन पड़ी रहती है, कैसे पड़ी रहती है। अभी फ़िलहाल में मैंने न्यू विंडो इसमें लैपटॉप में डाला है, इसलिए क्लीन दिख रहा है, अंदर कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो अपने कीवर्ड से आप यानी कि अपने कीबोर्ड से क्या प्रेस करना है, एल्ट और F4 का जो बटन है आपको प्रेस करना है। और यहाँ पर आपके जो सिस्टम को है रीस्टार्ट करना है, जैसे कि रीस्टार्ट करोगे फिर वापस आप एंटर मारोगे और कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखेगा, ठीक है ना। कुछ ऐसा इंटरफेस खुलने के बाद इसे कोने में एक बटन होगा, लिखा होगा ESC, ठीक है ना, वो बटन आपको प्रेस करना है और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा सामने। तो इसके बाद आपको कुछ ऐसा और इंटरफेस दिखेगा, जैसे कि स्टार्टअप मेन्यू, ठीक है ना। स्टार्टअप मेन्यू में आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखा है F1, F2, F9 और F10, आपको प्रेस करना है F1। जैसे आप F1 प्रेस करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो ये क्या है, सिस्टम इंफॉर्मेशन। यहाँ से आप जो आपके सिस्टम की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर लिखा है जैसे कि नोटबुक मोड, ठीक है ना, नोटबुक मोड की जो आईडी दे रखी है कह सकते हैं, या फिर नोटबुक बोर्ड का जो नाम है बुक का, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर लिखा है प्रोडक्ट नंबर और सीरियल नंबर और सिस्टम बोर्ड आईडी वगैरह, मतलब सबकी आइडिया यहाँ पर मिल जाती है, जैसे कि आपका जो प्रोसेसर है कितनी स्पीड से काम करता है और बायोस का जो आपका पास कौन सा वर्जन पड़ा हुआ है बायोस, ठीक है ना, वो मिल जाता है। और आपके पास टोटल मेमोरी कितनी है, यानी कि आपके जो कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप है उसमें कितनी मेमोरी स्पेस पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो प्राइमरी बैटरी SN नंबर, जैसे कि प्राइमरी बैटरी का जो SN नंबर होता है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। ब्लूटूथ FCC ID, जो ब्लूटूथ की FCC ID होती है वो भी यहाँ पर आपको दिखने को मिल जाती है। तो जो भी यहाँ पर बहुत सारी आइडिया हैं, ज़्यादातर मैं आपको दिखा नहीं सकता ढंग से, ठीक है ना, क्योंकि ये आइडिया इससे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से अपने सिस्टम का जो इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं, ठीक है, तो अपनी सिस्टम की इन्फॉर्मेशन इस प्रकार से जान सकते हैं। और ख़ुद की इन्फॉर्मेशन आप कैसे जानेंगे वो तो आप पर डिपेंड करेगा। और अभी तक हमारे इस वीडियो को
पूरा देख लिया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल का बटन दिख रहा है, वहाँ जाकर प्रेस करें और सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो चलिए आज के वीडियो में हमने जाना कि सिस्टम इंफॉर्मेशन। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि हम मेमोरी टेस्टिंग और हार्डवेयर चेकअप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आउट हो जाता हूँ वापस।